आपको हमारे पीछे से कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं मम्मा, अच्छा हुआ कि आप रूम लॉक करके गए थे। सुष्मिता दीदी को बार बार नॉक कर दी थी। अच्छा, अब हम जब भी कहीं जाएंगे आपको रूम में लॉक कर देंगे ताकि सुष्मिता दीदी आपको कभी परेशान ना कर सके। अच्छा तो ये बात है, मुझे ये लोग पागल समझते हैं। अभी मैंने अपना असली रंग दिखाई कहाँ है। ये लो पुनीत, पूरे 2500 हैं। रवनीक आप इतना जोर से क्यों बोल रहे हो, मैं आपके पास ही तो बैठी हूँ। जान के बोल रहा हूँ ताकि सुष्मिता तक हमारी आवाज पहुंचे, तुम भी ना। सॉरी। अच्छा ठीक है रवनीक, ठीक है रवनीक, मैं ये पैसे बेड साइड के ड्रॉअर में रख देती हूँ। संभाल के रखना। हाँ। पैसे यही तो मुझे चाहिए थे। पैसे दूसरी ड्रॉर में है। कहाँ है पैसे? ये लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। सुष्मिता। हाँ जी। कहाँ है तू? मैं इतनी देर से आवाजें लगा रही हूँ। ओ ना भाभी, डस्टिंग कर रही थी मैं। डस्टिंग छोड़ अभी, अब तू फटाफट खाना लगा दे, सब वेट कर रहे हैं। हाँ जी भाभी। ठीक है। दीदी आप कितने अच्छे हो, मैं आपको बहुत मिस करती थी। सुष्मिता बेटा पानी दे दे। सुष्मिता दीदी क्या है, मैं सॉस देना। सुष्मिता दीदी और ये गानों दे दो। सुष्मिता दीदी प्लेट दे दो। अरे बेटा चम्मच तो लाती इनके लिए। सुष्मिता पहले तो बर्तन उठा ले और फिर आराम से खाना खा ले। भाभी मैं अभी थक चुकी हूँ, अभी मैं सोने जा रही हूँ, बाद में खा लूंगी। ठीक। सुष्मिता तो सोने गई, मिशन कंप्लीट। ये बहुत बढ़िया हो गया, अब हम आराम से मार्केट जा सकते हैं अपने काम के लिए। लेकिन बच्चों हम आपको अभी भी कमरे में लॉक करके जाएंगे आप लोगों की सेफ्टी के लिए। ठीक है पापा। चलो चलो आप। ये मौका मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन अगले मौका में नहीं छोड़ूंगी। चलो शुक्र है अभी तक सब ठीक जा रहा है। मैंने तो कहा ही था हम थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे तो हम सब मिलके सुष्मिता को हरा सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बस आगे भी सब सुख शांति से हो जाए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक ही होगा।
पर रमनीक, एक बार बच्चों के मन से सुष्मिता का ये डर निकल जाए, मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकाल दूंगी और उसको कभी वापस नहीं बुलाऊंगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बच्चों का डर एक बार बस निकल जाए, बच्चों का और तुम्हारा भी। हाँ मेरा भी। आप मुझे समझ में आया, इनको मेरी याद नहीं आ रही थी, बस मेरे से बदला लेना था इनको। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, आप सामने से खेलूंगा। शिनाया, सुष्मिता दीदी आ रही है। हाँ चलो उन्हें परेशान करते हैं। हाँ बड़ा मजा आएगा। दीदी मेरी ग्रीन वाली कॉपी पकड़ाना। दीदी पानी लाना। और दीदी मुझे मेरी ग्लोब वाली बॉल देना। खुद जाके ले लो, मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। तुम्हारी मम्मी पापा मेरे साथ गेम खेल रहे हैं ना, अब देखना मैं क्या करती हूँ। दीदी अब क्या करें? सुनाया कुछ नहीं होता, मम्मा पापा ने कहा था ना कि हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, हम के जाके मम्मा को अभी बताते हैं। मम्मा मम्मा। क्या हुआ बेटा? आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटा बाहर तो जा रहे हैं, एक घंटे में आ जाएंगे। एक घंटे में? क्या हुआ बच्चों, सब ठीक तो है? और पापा वो सुष्मिता दीदी वो अरे तुम बेटा सुष्मिता की चिंता बिल्कुल मत करो, हमेशा की तरह हम तुम्हें कमरे में लॉक करके जाएंगे ताकि वो तुम्हें बिल्कुल तंग ना कर पाए। और ना आप लोग बाहर आ पाओगे ना वो अंदर आ पाएगी, ठीक है ना? चलो आ जाओ। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। सुनाया सुष्मिता दीदी अंदर आ नहीं सकती तो डरने का क्यों? चलो कुछ खेलते हैं। अब मैं देखती हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचा पाता है। दीदी आप? दीदी आपने दरवाजा कैसे खोल लिया? तुम्हें क्या लगता है क्या मुझमें अकल नहीं है? हमने क्या किया है दीदी? तुमने नहीं, तुम्हारे मामा पापा ने मेरे साथ पंगा लिया है, उसकी सजा मैं तुमको दूंगी। दीदी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो हमारे साथ। हाँ दीदी प्लीज मत करो। आप जो चाहते हो वो हम करेंगे। हाँ दीदी अब जो कहोगे हम वही करेंगे। तो करो। क्या करे दीदी? तुम फटाफट मुझे रिमोट दो और तुम पानी लेकर आओ और तुम एसी का रिमोट दो फटाफट। आवाज मत करो। घंटा होने वाला, आने वाले होंगे। याद है ना अगर मामा पापा को बताया तो? हाँ दीदी याद है, हम किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। हाँ जी दीदी ठीक है। अरे बच्चों डर क्यों रही हो? मैं हूँ बेटा। मामा वो सुष्मिता दीदी। बेटा सुष्मिता दीदी तो बाहर है। मामा वो ना अंदर आई थी। क्या अंदर आई थी? जी मामा। रमनीक रमनीक जल्दी आओ। रमनीक क्या हुआ? रमनीक देखो ना बच्चे कह रहे कि सुष्मिता कमरे में आई थी। क्या रूम में कैसे आ सकती है, हम तो रूम लॉक करके गए थे। बच्चों आपको यकीन है ना कि वो अंदर आई थी? हाँ जी मम्मा वो अंदर आई थी और इधर बैठ के टीवी भी देख रही थी।
ये कहीं आपका वहम तो नहीं है कि वो आई और उसने टीवी देखा? नहीं मम्मा, हमारा यकीन करो। पुनीत, हमने पिछली बार भी बच्चों की बात पे यकीन ना करके बहुत बड़ी गलती करी थी, इस बार वो गलती हम दोहराएंगे नहीं। आप ठीक कह रहे हो रमनीक। सुनो बच्चों, हमने क्या बात करी थी कि हम बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, हम सबको मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकलना होगा और उससे लड़ना होगा। आज तो अच्छा मजा चकाया इन बच्चों को, मजा आ गया। रमनीक, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रमनीक, लगता है सुष्मिता ने इस कमरे की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली है। लेकिन उसने ये दूसरी चाबी बनवाई कब? ये छोड़ो, ये सोचो जब हम घर से बाहर जाएंगे तो वो कमरे में घुस के बच्चों को कितना परेशान करेगी। पर अब करे क्या, बच्चों को किसी दूसरे कमरे में बंद कर जाए तो वो उस कमरे की भी डुप्लीकेट चाबी बनवा लेगी। ये तो बात सही है। अब वक्त है अगले वार का। भैया, भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल सुष्मिता। मैंने आपसे झूठ बोला था। कैसा झूठ? यही कि मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है। मतलब? मतलब कि मैंने आपको बच्चों को तंग करती थी, पर आप और तंग करूंगी। आप रोक सको तो रोक लो।